हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेव के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की अपन यहां पर बात करने वाले हैं, जो बीच बीच में आप लोगों को यहाँ पर काम में आने वाले हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इस चीज़ को आप लोग देखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को मैं एक साथ यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखो आवर्तिता से इसका कोई संबंध नहीं है, तो आप लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में इनको यहाँ पर नोट कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। सम इलेक्ट्रोनीय स्पीसीज, वर्ड आता है सम इलेक्ट्रोनीय स्पीसीज। तो देखो नाम से पता चलता है सम इलेक्ट्रोनीय, यानी ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। परिभाषा क्या है कि जब परमाणु या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें सम इलेक्ट्रोनीय स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। अब सम इलेक्ट्रोनीय स्पीसीज की अपन बात करें, उदाहरण के रूप में बात करें, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर क्या है, ये ऑक्सीजन है। आपको पता है ये जो ऑक्सीजन होता है ना, इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, माइनस के रूप में। मैंने आपको बताया अभी कि माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और जितने माइनस लगे हुए उसका मतलब क्या होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। 8 इसका परमाणु क्रमांक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से थे ही सही। दो इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण कर लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर बात करते हैं अपन, तो यहां पर क्या है भाई, इसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसने माइनस के रूप में ग्रहण किया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 10 हो गए इसके पास। सोडियम की बात कर लेता हूं मैं, तो देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे ही सही, परंतु एक इसने प्लस के रूप में एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग, यानी एक माइनस कर दिया, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, तो मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, प्लस 2 के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, कितने बचे, 10 बचे यहां पर। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 13 होता है, प्लस 3 के रूप में 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो कितने बचे, 10। तो देखो ये जितने भी आपको यहां पर स्पीसीज दिख रही है, जितने भी धनायन है, ऋणायन है, उदासीन परमाणु जो भी हैं, इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। और इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इन सभी को अपन सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसी इनको कहते हैं। अब बात करें कि सर कोई भी परमाणु हमें दिया जाए तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालें, प्रोटॉन की संख्या हम कैसे निकालें, और न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालें। तो इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी मैं आपको यहां पर दे दूं कि किस प्रकार से अपन कोई भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज क्या होती है। तो देखो जब कोई परमाणु या आयन ऐसा हो, ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो उन्हें अपन सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज कहते हैं। जैसे इन सभी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज इनको कहा गया, ठीक है। अब बात करते हैं, एक नोट लगाकर मैंने आपको यहां पर इस पॉइंट को समझाने का प्रयास किया है। देखो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी कि कोई भी परमाणु का परमाणु क्रमांक जितना होता है ना, वही उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, कितना होता है, 11, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यानी उसका परमाणु क्रमांक जितना होगा ना, उतने ही उसके नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। बात समझ आ रही है, तो ये तो होगी किसकी बात, प्रोटॉन की संख्या की बात हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखेंगे ये चीज तो मैंने यहाँ पर आपको लिखाई दी है,
इसके अलावा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई उदासीन परमाणु होता है ना, तो उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदासीन परमाणु में क्या होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि मैंने आपको मान लेते हैं सोडियम का उदासीन परमाणु दिया, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या तो 11 फिक्स है, परंतु मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की तो उसमें उदासीन परमाणु दिया ना मैंने आप लोगों को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ये चीज बता ही दी है पिछले वीडियो में कि यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे अपन बात कर रहे थे यहाँ पर कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो 8 ही है पर तो दो इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिए, ग्रहण किए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, परंतु प्रोटॉन तो कितने हैं, अभी भी 8 है, परमाणु क्रमांक तो भाई 8 ही रहेगा, उसका चेंज थोड़ा ना होगा। उसी प्रकार से बात करें पर सोडियम था, इसके पास परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन की संख्या तो 11 थी परंतु एक प्लस के रूप में इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई, 10 हो गई। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई उदासीन परमाणु है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, और यदि धनावेश है या धनायन है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी, ऋणायन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी, अधिकता होगी, पर प्रोटॉन की संख्या में फिक्स रहेगी जो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। बात समझ आ गई, अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना आ गया, प्रोटॉन की संख्या निकालने आ गया, अब न्यूट्रॉन कैसे निकालें, तो सुनो ध्यान से, न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी होगी और वो है द्रव्यमान संख्या की डेफिनेशन। अब देखो ध्यान रखेंगे द्रव्यमान संख्या क्या चीज होती है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दो कण तो नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वही क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है, यानी कि उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे जितने न्यूट्रॉन होंगे उनका योग क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। और ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रतीक के अंदर, किसी भी प्रतीक के अंदर जब अपन लिखते हैं तो नीचे की तरफ क्या लिखा जाता है, नीचे की तरफ लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, नीचे की तरफ क्या लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना नीचे की तरफ लिखा जाता है परमाणु क्रमांक और ऊपर की तरफ जो संख्या लिखी होती है ये होती है द्रव्यमान संख्या। क्या होती है ये, द्रव्यमान संख्या होती है भाई। अब मैंने आपको क्या बता दिया कि भाई द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। अब मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, मेरे को यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालूंगा मैं, इस जेड को का लिया हूँ, इस प्रोटॉन संख्या को का लिया हूँ, इस ए के इस तरफ ये प्लस में है, इधर आगे माइनस में, यानी ए माइनस जेड हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अपन द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, द्रव्यमान संख्या में से क्या कर दो, परमाणु क्रमांक को घटा दो तो क्या आ जाएगी अपने पास, अपने पास आ जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या। तो भाई देखो यहां पर, जैसे यहां पर अपन ने देख लिया है कि प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वहां पर दिया है, उस क्वेश्चन के द्वारा आप समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं। देखो मैंने आपको दिया 11 सोडियम 23 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो कैसे बताएंगे, आपको पता है इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ये फिक्स है। ठीक है, बात करते हैं अपन सोडियम उदासीन है भाई, क्या है ये उदासीन है, तो उस कंडीशन में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो यहाँ पर प्रोटॉन 11 थे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 11 हो गए। बात करें पर न्यूट्रॉन की संख्या की, कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दो, परमाणु क्रमांक घटा दो, तो भाई द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23 है, परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, 23 में से 11 घटा दे कितने बचे, 12, तो ये हो गए न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्या चीज बता दी है, आप लोगों को मैंने यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बात बता दी है, साथ ही किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इस चीज के बारे में बता दी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि
किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, यानी जितना परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगी। यदि उदासीन परमाणु है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और बात करें अपन यहाँ पर कि यदि धनायन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगी, और यदि ऋणायन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही बात करते हैं अपन कि सर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं द्रव्यमान संख्या के आधार पर। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, इस चीज को उस तरफ ले जाते हैं माइनस में जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या माइनस सॉरी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या लिखी होती है ऊपर की तरफ, परमाणु क्रमांक लिखा होता है नीचे की तरफ, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो क्या जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। और इस आधार पर अपन क्या बता सकते हैं कि वो स्पीसीज जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, और इसी आधार पर अपन बताते हैं कि वे सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज है अथवा। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। डाउनलोड ऐप इन प्ले स्टोर, विनायक एजुकेशन ग्रुप, ऑनलाइन कोर्स एंड क्लासेस, RBSE 12th, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश, RBSE 10th, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश। Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.